हेलो, वेलकम बैक। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मीन्स एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। कोई काम बोलने के समय जारी हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के रूप में जाना जाता है। अगर इसका साधारणतया जनरली हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो इफ वी गेट रहा है, रही है, रहे हैं इन एंडिंग पार्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस विथ वर्ब, वी नो इट इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप टेंस का पहचान कर ले तो उसे बनाना बड़ा ही आसान हो जाता है। इफ वी गेट रहा है, रही है, रहे हैं इन एंडिंग पार्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस विथ वर्ड वी नो इट इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इफ यू गेट रहा है, रही है, रहे हैं इन एंडिंग पार्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस विथ वर्ब, वी नो इट इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसको हिंदी में आप समझ लें, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं लगा हो तो आप समझ लेना कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आएगा, यानी कि कोई क्रिया बोलने की समय जारी रहेगी। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो वर्तमान समय में पढ़ने का काम हो रहा है, वह जा रहा है तो बोलते समय, बोलने के वक्त वह जा रहा है। अगर इसका मैकिंग रोल के बारे में हम बात करना चाहें तो बड़े ही आसान है। मैकिंग रोल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे इज, एम, आर, वी फॉर्म, इंग फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। अगर इसको निगेटिव करना चाहें तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आप नोट टैग कर सकते हैं इज, एम, आर, सब्जेक्ट, वी फॉर, ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच वर्ड इसके अंतर्गत व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इज, एम, आर, सब्जेक्ट, बिफोर, ऑब्जेक्ट। यह साधारणतः स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको दिखाया। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, आप करते करते अभ्यास सीख जाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन के अंतर्गत उसका प्रयोग किया जाता है, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वर्ब टू बी का प्रयोग हुआ, फिर इंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर बना करके देख लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आपको पता है कि इज का प्रयोग किसके साथ होता है, एम का प्रयोग कहाँ होता है और आर का प्रयोग कहाँ होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है।
मैं पत्र लिख रहा हूँ। आई के साथ एम, राइटिंग ए लेटर। अगर रहेगा कि मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ तो यहाँ नोट टाइप कर देंगे, आई एम नोट राइटिंग ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ? एम आई राइटिंग ए लेटर। मैं क्या लिख रहा हूँ? व्हाट एम आई राइटिंग। आप इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ इसका अलग प्रयोग आपको मैं दिखाता हूँ जो पहचान में नहीं आता, फिर भी उसे रखा जा सकता है क्योंकि वह क्रिया बोलने के समय जारी रहता है। जैसे वह खड़ा है, वह खड़ा है, इसमें पहचान नहीं दिखाई दे रहा है। यानी अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो पता चलेगा कि उसके खड़ा रहने की क्रिया जारी है, यानी रहा है, वह खड़ा रहा है। He is standing. वह सोई है। आप कहेंगे कि इसका पहचान प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लग रहा है, यानी सोने का काम के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट का, लेकिन नहीं, वैसा कुछ नहीं है। उसकी सोने की क्रिया जारी है, वह सो रही है। तो इसको बनाएंगे सी इज स्लीपिंग। अब इस तरह से प्रेजेंट टेंस का हिजे करके, भावार्थ समझ करके आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप तमाम इसी तरह के नवीनतम जानकारी और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद।